फ्रेंड्स, वेलकम टू मेघा की रसोई। आज हम बनाएंगे अरबी मसाला। अरबी मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम अरबी, जिसे मैंने अच्छे से छिलकर धो के रख लिया है। एक बड़ा साइज का टमाटर, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। एक बड़ा साइज का प्याज, उसे भी मैंने बारीक काट लिया। और मसाले में हमें चाहिए नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट। पहले हम अरबी में आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। इसे मिक्स करने के बाद इसे हम 10 टू 20 मिनट्स के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। नमक डालने से क्या होगा, जो इसमें चिपचिपापन होता है वो इसे निकल जाएगा। मिनट्स हो चुके थे, 20 मिनट्स के बाद मैंने इसे अच्छे से एक बार पानी से इसे धो लिया है। अब इसे मैं कट कर लूंगी। मैं इसे इस तरीके से गोल गोल शेप में सभी को काट लूंगी। आप अपने मनचाहे शेप में इसे काट सकते हो। बस इस तरीके से मैं सभी को काट लूंगी। मैंने सारी अरबी को गोल शेप में कट कर लिया है। अब मैंने एक पैन ले लिया है, गैस पे रख दूंगी इसे गर्म होने के लिए। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल, तेल को अच्छे सा गर्म होने देंगे हम। अब मेरा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें अरबी डाल दूंगी जो मैंने कट करके रखी थी। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे हम और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक चला लेंगे। अरबी को अच्छे से फ्राई करना है ऑयल में, आगे पीछे अच्छे से, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए और ये गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए। गैस की फ्लेम को मैंने लो रखा था और इसे 2 मिनट के लिए मैंने इस तरीके से चला लिया है अच्छे से। अब इसे हम लीड लगा के और 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हम लीड ओपन करके देखते हैं एक बार। गैस की फ्लेम हम लो मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसे चलाएंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन चेंज ना हो जाए। बस अच्छे से इसको पलटा पलटा के आप इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लीजिए। अरबी ने कलर चेंज कर दिया है, अब ये गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। अब मैं गैस बिल्कुल ऑफ कर दूंगी और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। मैंने सारी अरबी को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। सेम पैन में फिर से 1 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। मेरा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून प्याज कटा हुए। ऑनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। गैस की फ्लेम मैंने लो मीडियम पे रखी है, बस लो मीडियम फ्लेम पे रख के इसे गोल्डन ब्राउन होने तक आप पका लीजिए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, उसे भी प्याज में अच्छे तरीके से भून लेना है। जब प्याज लहसुन अच्छे से भून जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद अच्छे से मिला लीजिए प्याज और लहसुन अपने प्लेट में। अब इसमें डालूंगी मैं 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला। सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जले ना। पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। मिक्स करने के बाद अब मैं इस पर लीड लगा के टमाटर जब तक गलते नहीं और ऑयल नहीं छूटता है तब तक हम इसे लीड लगा के पकाएंगे। एक बार चेक कर लेती हूँ टमाटर गले या नहीं। मेरे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, मसाला अच्छे से हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी जो मैंने अरबी फ्राई करी थी वो।
अरबी डालने के बाद अच्छे से मसाले में कोट कर लीजिए अरबी को इस तरीके से। सारी अरबी को मैंने मसाले में अच्छे से कोट कर लिया है हिलाकर। अब मैं इसे और 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकाऊंगी। स्लो गैस के ऊपर मैंने 5 मिनट तक ढक्कन लगा के पकाया। अब चेक करते हैं अरबी हुई है या नहीं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे एक बार चम्मच की मदद से तोड़ के देखती हूँ ये अच्छे से पकी है या नहीं। देखिए ये बिल्कुल आसानी से टूट रही है, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुकी है और हमारा अरबी मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसमें कटा हुआ धनिया डाल के इसे गार्निश कर लूंगी और हमारी अरबी मसाला बिल्कुल रेडी है। है ना, बिल्कुल आसान रेसिपी और बिल्कुल इंस्टेंट रेसिपी। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।